हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रामकिशन और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यदि आपका नया नया यूट्यूब चैनल है एंड आप अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं, जो दो क्राइटेरिया होते हैं 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम घंटे का, दोस्तों यदि आपके दोनों क्राइटेरिया कम्प्लीट हो चुके हैं अब दोस्तों आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि अब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी है। जानकारी के लिए बता दूँ कि यदि आपने यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स आपको पढ़ लेना चाहिए, और यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको थोड़ा सा मोटी मोटी बातें बता देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि आप मूवी के या अपने वीडियो के अंदर अपना वीडियो डाले हो, यानी कि जो वीडियो हो आपकी मेहनत से बनाया हुआ हो, किसी दूसरे का वीडियो नहीं हो। ओके, तो ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कि आप अपने वीडियो के अंदर कोई सेक्सुअल कंटेंट के बारे में ना बता रहे हो, ठीक है ना। और जो तीसरी बात होती है दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री है या टॉलीवुड या फिर हॉलीवुड, तो इन में से किसी का भी वीडियो आपने वीडियो पर यूज नहीं करते हैं। ओके, ये चैनल में यदि इस तरह के वीडियो हैं कुछ तो आपको जो आपका चैनल है मोनेटाइज नहीं होगा, एंड जितने वीडियोज हैं वो सब के सब आपकी मेहनत के होने चाहिए, ठीक है ना। तब तो दोस्तों आपका चैनल तुरंत मोनेटाइज हो जाएगा। एंड दोस्तों, सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके चैनल पर ज़्यादा वीडियो हैं, यानी कि 100 के आसपास वीडियो हैं, 100 से ज़्यादा भी हैं, ठीक है ना, तब तो दोस्तों आपके चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने चैनल को रिव्यू में भेजते हैं तो उन्हें आपके चैनल को चेक करने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाएगा। अब दोस्तों यदि आपके चैनल में वो लोग कम समय लगाते हैं तब तो और अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आपके पास 100 से ज़्यादा वीडियो है आपके चैनल में तो आपके चैनल को मोनेटाइज होने में 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। दोस्तों यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने चैनल को मोबाइल से भी मोनेटाइज करवा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पर, लेकिन यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिए ये, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर आना है, और क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद तो डेस्कटॉप साइट में ओपन करने के बाद अब यहाँ आपको जो है youtube.com सर्च करना है, youtube.com, और कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। फिर आपको थोड़ा सा जूम आउट करके और जो ये आपका लोगो है, जो चैनल है, इस पर आपको टच करना है, और इस चैनल के लोगो पर टच करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ YouTube स्टूडियो पर जाना है, या फिर दोस्तों आप यहाँ योर चैनल पर भी जा सकते हैं। ओके, एंड दोस्तों जब आप अपने चैनल पर आ जाते हैं तब आपको करना क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ कस्टमाइज चैनल पर ओके करना है। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। फिर आपको करना क्या है, जो आप यहाँ एक आइकन देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये मोनेटाइजेशन का या डॉलर का। ओके, तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है, एंड देखिए अभी अप्लाई का ऑप्शन है, यानी कि जब आपका वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो यहां अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, और जब आपके सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होते हैं तो यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, एंड अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद दोस्तों यहां लिखा हुआ रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम। ओके, दोस्तों आपको सिंपली यहां स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, फिर आपको सबसे नीचे जाना है, और सबसे नीचे जाने के बाद यहां पर एक ब्रैकेट है तो आपको इसे फिल करना है, और यहां पर फिर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सेप्ट टर्म्स पर ओके कर देना है। ओके, और दोस्तों एक्सेप्ट टर्म में ओके करने के बाद आपका जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ प्रोसेस हो रही है। ओके, आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डन का ऑप्शन लिखकर आ चुका है, यानी कि आपका जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। तो दूसरे स्टेप में फिर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, एंड स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आपके पास पहले से गूगल एडसेंस है,
और यदि आपके पास गूगल एडसेंस है तो फिर दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, तो यदि आपके पास है तो आप यस में क्लिक करिए और यदि आपके पास नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नो, आई हैव नो गूगल एडसेंस, एंड फिर कंटिन्यू पर कर देना है क्लिक आपको। ओके, एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो दोस्तों जितने भी जीमेल अकाउंट हैं आपके फ़ोन पर, तो जिस जीमेल अकाउंट से आप गूगल एडसेंस बनाना चाहते हैं तो उस जीमेल से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस के लिए हम अलग से जीमेल अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। एंड दोस्तों यहाँ पर यदि आप जिस जीमेल अकाउंट से गूगल एडसेंस बना रहे हैं, यदि उस जीमेल अकाउंट से आपका यूट्यूब चैनल नहीं बना है, तो आपको अपने यूट्यूब चैनल की लिंक यहां पर पेस्ट करनी पड़ेगी। और दोस्तों यदि आपका चैनल उसी जीमेल अकाउंट से बना है जिस जीमेल अकाउंट से आप गूगल एडसेंस बनाना चाहते हैं, तो यहां पर ऑलरेडी उस चैनल की लिंक पेस्ट हो रखी है। ठीक, एंड यहां पर आपको जो दो ऑप्शन है तो दो ऑप्शन में से यस सेंड मी कस्टमाइज पर ओके करना है। एंड दोस्तों यहां पर आपको अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, तो कंट्री में सिलेक्ट कर लेता हूं, हालांकि आप इंडिया के ही होंगे आई होप। ओके, तो दोस्तों मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहां पर इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। ओके, तो दोस्तों आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहां पर यस आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर ओके कर देना है, और यहां पर फिर क्रिएट अकाउंट पर ओके कर देना है। ओके फ्रेंड्स, यहां पर कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। फिर दोस्तों आपको यहां पर गेट स्टार्टेड पर ओके कर देना है। ओके, हालांकि आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं जो ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन सिंपली आपको गेट स्टार्टेड पर ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद देखिए यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। अब दोस्तों 80% लोग पहली बार जब मोनेटाइज करना चाहते हैं अपने चैनल को, तो यहीं पर गलती करते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल आराम से देखिए, ठीक है ना, वीडियो कहीं भी इसके मत करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर कस्टमर इन्फो है, तो यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप डाल देना है, तो यहाँ इंडिविजुअल है। ओके, हालांकि पहले सिलेक्ट होता है, लेकिन यदि सिलेक्ट नहीं तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल डाल देना है। एंड दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपको नेम एंड एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको नेम अपना डाल देना है, जो कि आपका नेम है जिस अपने नाम से आप जीमेल अकाउंट बना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर दोस्तों यहाँ पर अपना नाम डालने के बाद यहाँ कट कर देना है, और कट करने के बाद अपना नाम डाल देना है। ओके, फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 है एंड एड्रेस लाइन 2 है, ठीक है ना। तो एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 में आपको जितना भी आपका एड्रेस है, तो वो एड्रेस आधा आधा डालना है, आधा वन लाइन में एंड आधा दूसरी लाइन में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डाल करके सही सही फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। एंड सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट पर कर देना है, ठीक है ना। एंड रिडायरेक्ट पर ओके करने के बाद दोस्तों आपका जो दूसरा स्टेप है ये कम्प्लीट हो जाता है, लेकिन ये दोस्तों तुरंत कम्प्लीट नहीं होता, ये थोड़ी देर के लिए प्रोग्रेस में जाता है, और आप यहाँ देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ इन प्रोग्रेस। अब जो है इन YouTube टीम आपका जो Google AdSense से चेक करके फिर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर या लगभग 24 घंटे में डन कर देगी आपका Google AdSense। ओके, तो फ्रेंड्स, जब आपका Google AdSense बन जाता है तो आपको एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि द Google AdSense Google अकाउंट लिंक टू योर YouTube चैनल। ओके, यानी कि आपका Google AdSense अकाउंट YouTube चैनल से लिंक हो चुका है, आपको एक इस तरह से ईमेल आता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सब दो स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं हम तीसरे स्टेप में। तो दोस्तों तीसरा स्टेप में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, तीसरे स्टेप में जो है आपका अब मोनेटाइजेशन होने वाला होता है। अब ये जो है YouTube टीम खुद करेगी, आपका जो है चैनल चेक करेगी, आपकी वीडियो चेक करेगी। एंड दोस्तों जब आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा, तब भी आपको एक ईमेल आता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से आपका ईमेल होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन, यू बीन अप्रूव्ड टू ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर एक बार और नीचे लिखा हुआ कांग्रेचुलेशन, योर यूट्यूब चैनल LMTV रामकिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। ओके, अब दोस्तों लास्ट में सबसे खास बात बता देता हूँ कि जो आपके वीडियो में ऐड आते हैं तो वो ऐड YouTube देता है, लेकिन लगाता उसे आप लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ऐड जो आपकी वीडियोस पर आता है उसे हमें खुद ऑन करना होता है सेटिंग। अब दोस्तों मोनेटाइजेशन के बाद आप उस ऐड सेटिंग को ओपन ऑन कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों आपको ऐड अपने वीडियो पर रन कैसे कराना है, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, या फिर दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको
वह वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके कि दोस्तों आप अपने वीडियोज पर एड रन कैसे कराएंगे मोनेटाइजेशन के बाद। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।